हाँ, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में ये फॉर्मल चार्ज मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसके पहले लिमिटेशंस ऑफ लेविस अप्रोच मैंने आपको बताया कि लो यहां पर आप, आपको उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या है ये आपको अभी मैंने बताया। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन कंबाइनिंग एटम बॉन्ड पेयर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसके पहले जो भी हमने टॉपिक, आज की टॉपिक एक बार मैं रिव्यू करता हूं, केमिकल बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में कुछ ये बॉन्ड बनाकर समझाया है कि ये आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और जो इलेक्ट्रॉन बच गया इसी इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं और लोन पेयर कहते हैं, यानी ये बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट होना चाहिए, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दे करके आपको मैंने समझाया। यहाँ नाइट्रोजन का एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है बना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाया, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तीन चाहिए तो तीन इलेक्ट्रॉन हमने बिल्कुल सामने लिख दिया, तो ये नाइट्रोजन की बॉन्ड आपकी कंप्लीट हो गई ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये CH4 है, ये CH4 है, CH4 मीथेन, ये मीथेन है। मीथेन में आपने देखा ये सभी सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यानी सबके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये हमने देखा। इसमें इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया कि जो बॉन्ड या वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर है, लोन पेयर, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में कोवेलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि एक ही एटम के पास, एक ही एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, चाहे मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे करके और वो बॉन्ड बनाता है, उसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो लेने वाला एक जनरली लेविस एसिड होता है और देने वाला लेविस बेस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया और लेने वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लेविस बेस कहते हैं और एक्सेप्टर को कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं। तो ये मैंने लिखा है ए बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज लोन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाई बोथ एटम, एक एटम ही देगा लेकिन शेयरिंग दोनों का कहलाएगा, उसी को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। जो एक एग्जांपल देकर आपको मैंने समझाया कि NH3 और H+, तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सेंट्रल एटम में, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, दूसरा एग्जाम्पल CO मॉलिक्यूल का दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी एक ही एटम ये शेयर किया, इस तरह से आप एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, ये कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया जो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट में बताया कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहते हैं और जो शेयर्ड नहीं है उसे हम लोन पेयर कहते हैं, उसे लोन पेयर कहते हैं, उसी का लिमिटेशन से जो लेवी साहब फेल्योर हो गए हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज हमने आपको बताया कि वैलेंस V फॉर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की,
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू, ये फॉर्मूला है फॉर्मल चाल निकाल। अच्छा एक एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल आप कीजिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, O3 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, 4 और ये 6, ये कंप्लीट है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन इसी का है ऑक्सीजन का, और ये भी इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन का है इधर वाले का, ये देकर बॉन्ड बनाया है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो ये हो गया 2 और ये 2, 4 और ये 2, 6। अब देखो 2 और 2, 4 तो इधर आ गया और 2, 6 ये हो गया। हमने इसको पहला ऑक्सीजन मान लिया, इसको दूसरा ऑक्सीजन मान लिया, इसको तीसरा ऑक्सीजन मान लिया, नंबरिंग देके करें बेटा। अब इसको फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का, फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालना है, कैसे निकालेंगे तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया है कि वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसका 2 कर देते हैं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब देखो हम पहले ऑक्सीजन का ले रहे हैं, ये ले रहे हैं पहले ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 का 6 होता है, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर 1, 2 टोटल लेना है, 2 माइनस शेयर्ड हो गया, देखिए इस ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल शेयरिंग कितना हो गया, 6 हो गया बाय 2, 2, 3 जा 6 क्या हुआ, 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 ये हो गया +1 आंसर, ये ऑक्सीजन 1 का हो गया। अब आप बताइए कि फॉर्मल चार्ज, सर शेयर वाले कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन फर्स्ट में, ऑक्सीजन 2 ठीक है सर, शेयर ऑक्सीजन फर्स्ट, सर हाँ बोलो, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ऑक्सीजन में शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, इस ऑक्सीजन से रिलेटेड कितने इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड वाला, देखो 1, 2, 3, 4 ये पूरा आएगा ना, ये पूरा लेंगे सर बेटा, ये देखो ना ये पूरा का पूरा ये हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ है? तभी ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट तभी तो हो रहा है ना, हाँ सर हाँ सर, ये देखो शेयरिंग कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 मैंने लिख दिया, समझ में आया बेटा, हाँ सर आ गया, तो ये +1 आ गया। अब आप सेकंड ऑक्सीजन का निकालिए जरा, सेकंड ऑक्सीजन का आप निकालिए, बताइए आंसर क्या होगा, सेकंड ऑक्सीजन, हाँ गुड, तो फॉर्मल चार्ज बताइए सेकंड ऑक्सीजन कितना आया, इसका तो 1 हमने फर्स्ट का निकाल दिया, सेकंड का बताइए कितना आंसर है, इसका भी सेम फॉर्मूला आएगा ना, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 सर, 3 आएगा लोन पेयर में, 2, 2, 4 चार इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, माइनस शेयरिंग क्या है सेकंड इलेक्ट्रॉन का, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सेकंड इलेक्ट्रॉन का तो यही है ना कहानी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3, 4 ये शेयरिंग हो गई, 4 बाई 2 सर 0, 2, 2 जा 4 तो -6 -4 -2 -6 तो +6 -6 0 आंसर इज। अब ऑक्सीजन थर्ड का निकालिए, निकालिए ऑक्सीजन थर्ड फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन थर्ड का निकालिए, क्या निकालोगे आप, इसका भी देखो फॉर्मल चार्ज निकालिए,
बेटा इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। -1 -1 आएगा, गुड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लोन पेयर देखिए 2 4 6, पूरा का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। माइनस शेयरिंग देखिए 1 2, इस ऑक्सीजन का 2 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, ये -6 और -1, -7 और +6 क्या हो जाएगा -1 आंसर। वेरी गुड, तो थर्ड का आंसर -1 और इस ऑक्सीजन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर निकाला +1 और ये सेकंड ऑक्सीजन का आपने क्या निकाला, 0। जी अब समझ में आई, यस और नो? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो फॉर्मल चार्ज आप इजीली निकाल सकते हैं और आपने निकाला अभी, इसमें किसी कोई डाउट है, एनी डाउट? नो सर। गुड, नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। जो आपको समझ में आ जाता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। गुड बेटा, वेरी गुड। तो फॉर्मल चार्ज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, बना रहे हैं। फॉर्मल चार्ज आप घर पे कर लेंगे, ठीक है। मैं होमवर्क में दे देता हूं, और समझ में नहीं आएगा तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, मैं इसका स्ट्रक्चर देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहां 2, ये 2 4 आपका, और ये होता है CO3 2 माइनस, मतलब एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये पूरा का पूरा 6 हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी लिया है, 2 4 और ये 6, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 2 और 2 4 2 6, ठीक है। आई बात समझ में? ये स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। अब सपोज पहला ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, ये थर्ड और ये कार्बन 4, ये चारों का आप फॉर्मल चार्ज अगले क्लास में आंसर बताएंगे। कार्बन का आंसर, ऑक्सीजन फर्स्ट का, ऑक्सीजन सेकंड का, ऑक्सीजन थर्ड का, ये चारों का फॉर्मल चार्ज निकाल करके और आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। एनी डाउट? ओके ओके। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, और किसी तरह का कोई डाउट, एनी डाउट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बाय बाय। थैंक यू। ओके बाय सर। ऑल बाय सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।